और मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और खेल युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कटनी जिले का दौरा किया है। दोनों मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम की समीक्षा की। साथ ही बैठक में मंत्री ने जिले के फॉरेस्ट प्ले ग्राउंड में एक स्टेडियम बनाने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। वहीं हॉकी स्टेडियम में जल्द से जल्द एस्ट्रो टर्फ बनाने के लिए बात कही गई है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। खेल युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कटनी के फॉरेस्टर प्ले ग्राउंड में पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है। मंत्री ने खिलाड़ियों को कहा कि शहर को एक बेहतरीन खेल मैदान के लिए राशि उपलब्ध करवाई गई है। मैंने विधायक जी को कहा है कि यहाँ बहुत ही सुंदर एक प्लेग्राउंड बन सकता है, इसीलिए अगर हमें दिलवा सकते हैं हमारे खेल विभाग को, तो हम अभी हाल ही 20-30 लाख डाल के जल्दी से बाउंड्री वॉल लगाकर फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं वहाँ। यहाँ एस्ट्रोटर्फ लगा रहे हैं, आपको एक मल्टीपर्पज़ हॉल दे रहे हैं जो जिला हेडक्वार्टर्स में बड़ा होता है, विधानसभा वाइज छोटे होते हैं, तो ये भी हम कर रहे हैं। 10 करोड़ का एक, 5 करोड़ का एक।